अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की स्पेशल नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर कानूनदान जनाब बुरहान मौजम साहब। आप अल्लामा साद हुसैन बिस्ती साहब का केस बाकायदगी से न सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, आपकी टीम फॉलो कर रही है, बल्कि उसके रिजल्ट्स, उसके सम्राट हम सब तक, आप सब तक पहुंच रहे हैं। बुरहान मौजम भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। वालेकुम अस्सलाम सर। बुरहान मौजम साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए, ये अब से तकरीबन 24 घंटे पहले एक शॉर्ट ऑर्डर के जरिए आप लोगों के हक में फैसला आया, यानी टीएलबी के हक में फैसला आया, और जो नजरबंदी थी उसको नाजायज करार देते हुए कलदम करार दे दिया गया उसको। उसके बाद ये क्या हुआ है कि 30 दिन की रिव्यू में चले गए और फिर से नजरबंदी के लिए 30 दिन का टाइम ले लिया गया है? इसमें सदाकत है कोई या नहीं है बुरहान साहब? सर देखिए, मैंने भी आपकी तरह नेट पर ही देखा है वो नोटिफिकेशन। ऑफिशियली तो वो नोटिफिकेशन ना रिसीव हुआ और ना ही कभी किसी ने दिया है अभी तक। ये एक्चुअल जो उस नोटिफिकेशन से नजर आ रहा है वो ये है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट पिटीशन, जिसका फैसला 1 अक्टूबर को, जी इन्होंने 29 सितंबर को एक रेफरेंस फाइल किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उनका फेडरल रिव्यू बोर्ड होता है। ठीक फेडरल रिव्यू बोर्ड में एक ऑनरेबल जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और दो जजेस होते हैं मुतलका हाई कोर्ट के, और ये उस बंदे से मुतलका होता है हमेशा जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने डिटेन किया हो। यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि साद साहब को डिटेन किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि इनको आपने प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड के सामने ही पेश करना है, और वो है 3 मेंबर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। इनके खिलाफ क्योंकि पहले ही फैसला आ चुका था, एमपीओ में 3 जजेस ने इनके तमाम मामलात को गलत करार दे दिया था, तो मुझे लगता है कि शायद उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने बाय कंसीलमेंट इसे फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास भिजवा दिया है। हालांकि मेरी राय के मुताबिक इसे प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड के पास जाना चाहिए था, ये फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास जा नहीं सकता। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब जी फर्स्ट को एक ऑनरेबल जज जो हैं वो जुडिशियल डिसीजन सुना देते हैं, जुडिशियल वर्डिक्ट आ जाता है। जो प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड या फेडरल रिव्यू बोर्ड है वो उसको इंटीमेट करना बहुत जरूरी था कि अदालत से फैसला हो गया है। आप देखिए ना एक जमीन साहब, बहुत सिंपल सी प्रोपोजिशन नजर आती है कि जब डिटेंशन नहीं तो एक्सटेंशन किस तरह? उनकी बेसिक डिटेंशन को इलीगल करार दे दिया गया। अगर वो जी साद साहब की डिटेंशन बरकरार होती तो आप उसकी तौसीह करवा सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन जब उनकी डिटेंशन ही इलीगल हो गई तो फिर उसकी एक्सटेंशन कैसे होगी? यानी एक चीज जो सिरे से मौजूद ही नहीं है तो उसको आप एक्सटेंड कैसे करवा सकते उसे एक्सटेंड हैं? कैसे करवा रहे हैं? ये इसलिए हो सका कि इन्होंने ये तमाम हकायक फेडरल रिव्यू बोर्ड से छुपाए हैं। अगर ये सब कुछ ऑनरेबल मेंबर चेयरमैन फेडरल बोर्ड के सामने ले आते तो शायद ऐसा ना हो सकता। शायद की बात कर रहा हूं मैं, मतलब उनकी राय के मुताबिक बात नहीं कर रहा, वो जो फरमाए वो तो बहुत बड़ा हमारे लिए, सबके लिए बाइंडिंग है। लेकिन अब एब्सोल्युटली हम डेफिनेटली इसके लिए अब हम आगे अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं जिसमें हम तमाम हकायक बुरहान को मौजम सामने साहब, लाएंगे। आपके पास बतौर प्राइम डिफेंस काउंसिल आपके पास इसका क्या ऑप्शन है फर्दर? देखें, आपने एक बात तो बता दी, एक चीज बुनियादी तौर पर ही खत्म हो चुकी है तो उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास बतौर लॉयर क्या ऑप्शंस बच जाती हैं, यानी मंडे से आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस केस को लेकर, जबकि आपको पता है कि एक्सटेंशन एक इलीगल ग्राउंड के ऊपर मिली है? जमीन साहब, बात यह है कि ये थोड़ी सी डिफेंस स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं नहीं हाँ समझता कि मुझे प्रायर इन टाइम इनको बताना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये हाँ जरूर आपसे गुजारिश करता हूं कि हम चले, बहुत आप कुछ ये करने तो नहीं जा रहे बता हैं। रहे कि आप जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा, ये तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, ये भी कॉल ऑफ हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और साद हुसैन रिजवी साहब के जो चाहने वाले हैं,
वो ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले चंद दिन के अंदर अलामा साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो चुके होंगे, या आपकी वही बात जो प्रीवियस इंटरव्यू में आपने कही थी कि बाय हुक और क्रुक उनको डिटेन किया जाता रहेगा किसी और केस में फंसा के या किसी और मामले के अंदर? देखिए सर, अब क्योंकि हाई कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन मौजूद है, तो मैं अपनी उस राय पर फिर भी कायम हूं कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से तो कोशिश की जाती रहे, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद दिन में अब साथ साहब अपने चाहने वालों के दरमियान होंगे। चंद दिन में आप कोई डेडलाइन दे सकते हैं? आई मीन कि अगर आज 2nd of October है तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बिफोर 15th of October और विद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अलामा साद हुसैन रिजवी साहब पब्लिक के बीच में होंगे। सर अभी इससे भी जल्दी की तवक्को रखिए, इससे भी जल्दी की तवक्को रखें। अच्छा, एक और चीज सुनने में आई है कि पता नहीं आप करेक्ट कीजिएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये कि जो रिव्यू वाला सीन हुआ है एक्सटेंशन का फेडरल से, उसके बाद फेडरल कैबिनेट के हवाले से बात सुनने में आई है कि वो फर्दर इसके ऊपर गौर करेगी कि आया साद हुसैन रिजवी साहब के केस से स्टेप बैक कर लेना चाहिए या इसके ऊपर इसी तरह डिटेंशन होती रहनी चाहिए। तो आपके पास कोई इत्तला है ऐसी? सर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा वो मीडिया के थ्रू है और मैं नहीं समझता कि मैं उस पे कोई कमेंट करूं। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि प्रोसिक्यूशन तो अपनी जगह पर हो रही है ना, उसको हम प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं, चले प्रोसिक्यूशन कह देते हैं, बट लगती प्रोसिक्यूशन है, तो वो आपको लग रहा है कि उनके पास ऑप्शन है फर्दर के मजीद वो इसमें कोई चीज निकाल के ले आए और उनको डिटेन करवा दिया जाए? जमील साहब, बहुत छोटा सा कमेंट करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास कुछ है या नहीं है। डेफिनेटली लॉ बहुत वास्ट है, उनकी पावर्स बहुत ज्यादा और लामहदूद किस्म की हैं। मैं किसी बात पे कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने स्टेप्स वो लेते जा रहे हैं इतनी मैलाफाइडी साबित होती चली जा रही है, और ये मैलाफाइडी कोर्ट्स के जहन में ही नहीं, एक ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन के जहन में भी आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ फिशी है और गलत हो रहा है। और जब आप इस इंप्रेशन में आ जाए ना कि कुछ गलत हो रहा है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि आपका कोई भी एक्ट जस्टिफाइबल नहीं रहता। कोई एक्ट जस्टिफाइबल नहीं रहता है, एब्सोल्युटली राइट। बड़े टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आज हमने बुरहान मौजम साहब से उनसे डिस्कशन की है, और पोस्ट डिसीजन जो डिस्कशन थी बनती थी, बुरहान साहब से तकरीबन 3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था, आप सब लोगों की बार बार फरमाइश थी कि इनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए और टेक्निकल ग्राउंड पर बताया जाए कि साद साहब कब उनके दरमियान होंगे। तो आज के दिन की जो सबसे हाईलाइट है, मेजर स्टोरी है, बुरहान साहब के जरिए हम तक पहुंची, वो कहते हैं कि बहुत जल्द अलामा साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान इन ब्रैकेट्स कदम जो कि फेडरल कैबिनेट की जानिब से है, लेकिन इन एक्चुअल पब्लिक समझती है कि नहीं है, वो उनके अभी जो है जल्द रिहा हो जाएंगे और 15 तारीख से भी पहले हो जाएंगे। बुरहान मौजम साहब, सर आपने एक्सक्लूसिवली लिए कोई 8-10 मिनट हमारे निकाले, पब्लिक आपको बहुत शिद्दत से सुनना चाह रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर।